ये पोर्ट लुइस का अर्बन विक्टोरिया टर्मिनल है। आप जब मेट्रो ट्रेन से उतर के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कैफेज़ आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, KFC भी है और वेजिटेबल मार्केट्स भी है और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी हैं, तो आप खाना भी खा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। सामने KFC है और इस तरफ फूड स्विरल है। अच्छा, देखो अगर इंडिया से आए हैं और पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, पर ये पानी पूरी की है माशाल्लाह। यहाँ पर एक मार्केट है, चलो देखते हैं आज मार्केट भी यहाँ का मार्केट कैसा है। टेस्ट हाई क्विज़िन मॉरिशियस। हेलो, हाउ आर यू? ऑनियन रेट 25 रुपीज 1 pound। ओके 50 rupees किलो, 50 rupees मॉरिशियन। यहाँ पर 50 rupees मॉरिशियस के, 50 rupees हमारे इंडिया के, तकरीबन 80 rupees बनते हैं। 80 rupees किलो है ये ऑनियन और प्याज, और ये पोमलेटिया बोलते इसको, पोमलेटिया भी सेम 50 rupees kg। ओके थैंक यू, मेकिंग व्लॉग फॉर यूट्यूब। ओके, आई एम ट्रैवलर, थैंक यू। सब मिलता है, सारी सब्जी यहाँ पर, गोभी है, गाजर है और बैंगन है और भिंडी भी है इंशाल्लाह। देखो सारी सब्जियां हैं हरी भरी माशाल्लाह, फ्रूट्स भी हर किस्म के हैं। काफी महंगा है, हर चीज महंगी है, फ्रूट्स भी बहुत महंगे हैं। इसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पर अक्सर चीज़ें दूसरे मुल्कों से आती है। यहाँ है बिरयानी, मॉरिशस की बिरयानी। तो ये ऊपर भी सारी शॉप्स हैं, अच्छी फैसिलिटी है। शॉपिंग वालों ने ये बड़े बड़े पंखे लगाए हैं। फिलहाल तो ये शॉप्स बंद है बहुत सारी, कुछ कुछ खुली है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? यासीन भाई। कभी आप आए इस तरफ घूमने के लिए तो यहाँ पर जरूर आए, विजिट करें इनकी शॉप। बहुत आपको रिजनेबल प्राइस में कॉटन, बेस्ट क्वालिटी के शॉर्ट्स, कॉटन्स और सारी चीज़ें मिलती है। तो ये मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्काउंट के साथ टी शर्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो जज़ाकुमुल्लाह। कितना वेल मेंटेन है ये सब्जी मार्केट, बिल्कुल भी आप यकीन करें बदबू नहीं आ रही है, कहीं भी मक्खी मच्छर नहीं है और इतना साफ सुथरा है ये मार्केट, कितना अच्छा है। देखिए आप, और हर शॉप वालों के पास डस्टबिन है। देख लिया आपने सब्जी मार्केट, और भी बहुत सारे सब्जी मार्केट्स हैं लेकिन ये तो मैं गुजर रहा, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने यहाँ पर जो इसकी विजिट कर ली। मेट्रो के ज़रिए से आपको कहीं जाना हो या आप कहीं से आ रहे हो तो यहाँ पर आ भी खा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये सामने बस अड्डा है, ये खूबसूरत सा इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है ईद मुबारक के लिए। देखो लाइट भी बहुत अच्छी लगी हुई है। ईद करीब है, कुछ दिन रह गए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ईद मुबारक के लिए सारा इंतज़ाम किया। हर जगह सफाई इतनी है ना, हर जगह कहीं भी आप चले जाएं, वाकई में यार साफ सफाई के बारे में तो मानना पड़े। मॉरिशस किसी भी जगह चले जाए, किसी भी मॉल में चले जाए, इवन अभी मैंने आपको सब्जी मंडी दिखाई तो वहाँ भी आपने देखा इतनी ज़बरदस्त साफ़ सफाई है। यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर जैसे ही मेट्रो से आप उतरेंगे, बस है मुख्तलिफ जगह जाने के लिए, और कहीं से बस से आते हैं यहाँ और यहाँ से मेट्रो लेना चाहें तो इसके लिए भी ये ग्राउंड फ्लोर पे सारे जो है वो शाइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। शाम का टाइम है, छूटने का टाइम है ऑफिसेज वगैरह से, इसलिए कुछ कुछ रश नज़र आ रहा है। वो इंडिया वाला रश नहीं, देख लीजिए आप, बस इतना ही रश होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, सुबह में भी और शाम में भी, और हमारे यहाँ तो चलने की जगह नहीं होती। तो यहाँ पर ये मैं बाहर निकल चुका, यहाँ मुख्तलिफ ब्रांड्स के स्टोर्स हैं, मोबाइल स्टोर, इलेक्ट्रिक स्टोर्स, और ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही
फ्रेंच कंस्ट्रक्शन है ये, या हो सकता है नया हो, लेकिन उसका जो डिजाइन है वो फ्रेंच की तरह है। आर्टिसन कॉफी, यहाँ करीब में बड़ा बस स्टॉप है तो यहाँ से सारी बसें निकल रही है साथ में। अब ये मैं पोर्ट लुइस शहर में दाखिल हो गया हूँ और यहाँ से शहर की रौनक शुरू हो रही है।